नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, क्या आपको इस शेयर के साथ करना चाहिए, क्योंकि काफी रिटेल इन्वेस्टर जो है अपर लेवल में इस शेयर में गाइस जो है ट्रैप हो चुके हैं, और जो इनका रिलायंस के साथ जो है डील होना था वो क्यों कैंसिल हुआ, और जो इस कंपनी के लिए 13 ग्रुपों ने जो बिड डाली थी उसका क्या हुआ इसको पूरी तरह से एक्वायर करने के लिए, और जो रिलायंस अमेजोन के साथ इनका जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है, सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस कर ले। तो कंपनी का स्टॉक जो ASM की रेड फ्लैग लिस्ट में गाइस, और ओवरबॉट जोन में। कंपनी की एनुअल ग्रोथ रेट, प्रॉफिट जनरेशन, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम फ्लो स्टेटमेंट जो है सारी की सारी नेगेटिव में गाइस। कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी ROE और अर्निंग पर शेयर है वो भी नेगेटिव में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, कंपनी का स्टॉक जो अपने 50-day EMA 200-day EMA की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे जो है स्लिप आउट हो चुका है, जिससे हमें साफ पता लगता है गाइस कि कंपनी का स्टॉक कितने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। और हमने आपको कहा था कि आप लोग जो है इस स्टॉक से निकल जाइए, ये शेयर आपको आने वाले टाइम में जो है बुरी तरह से जो है ट्रैप करेगा और आप लोगों का कैपिटल यहाँ पर बुरी तरह से जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है गाइस 90-80% जो है क्रैश हो चुका है। ऊपर से कंपनी के प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को बेचे जा रहे हैं गाइस, कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, कंपनी पे डेप्ट बढ़ते जा रहा था, कंपनी का CGR ग्रोथ रेट नेगेटिव में था गाइस, कंपनी हर क्वार्टर में जो है पुअर सेल्स ग्रोथ को जो है रजिस्टर कर रही थी, और कंपनी के वहाँ अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए तक जो है कैश नहीं बचा था, और अपने एम्प्लॉयज तक को जो है पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचा था। तो गाइस, जो मार्केट में खबर चल रही थी कि 13 ग्रुप जो है स्टॉक के लिए बिड करेंगे, इस ग्रुप के लिए बिड करेंगे इसको एक्वायर करने के लिए, लेकिन अभी जो बिडिंग प्रोसेस है उसे जो है होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि अमेजोन ने इनके खिलाफ जो है केस करके रखा है, क्योंकि पहले अमेजोन जो था इनके जो स्टोर्स थे उसे खरीद रहा था, लेकिन बाद में पता लगा इन्होंने जो इनके प्रमोटर थे उन्होंने काफ़ी जो अपने नंबर्स में झोलझाल किया और वो अमेजोन को पेश किया था, जिसकी वजह से रिलायंस ने भी एंड टाइम पे जो है अपनी डील को इनके साथ कैंसिल किया। तो मैं आपको यही राय दूंगा यहाँ पे गाइस, कभी भी जो आपको अगर अपर सर्किट देखने को मिले तो निकल जाइए। इनके जो फाउंडिंग मेंबर थे उन्होंने तक जो है रिज़ाइन दे दिया, कंपनी गाइस अब ख़त्म हो चुकी है, गेम ओवर है, अब कोई भी उम्मीद नहीं है गाइस कंपनी में जो है आपको फिर से जो है हरियाली देखने को मिलेगी। तो आपको मैं यही राय दूंगा, कहीं भी आपको बाइंग यहाँ पे दिखे, बड़े प्लेयर जो है बाइंग करें, ऑपरेटर्स ने सर्किट खोला है, तो आप लोग जो अपने शेयर्स को बेच के जो है निकल जाइए, क्योंकि आप इस शेयर से कोई भी उम्मीद मत रखिए, ये शेयर आपको आने वाले टाइम में जो है बिल्कुल भी रिटर्न बना के नहीं देगा और आप लोग जो है इस शेयर में बर्बाद हो जाएंगे। तो गाइज, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।